एसबीआई के जीएम गोयल ने पेंशनरों के साथ मीडिया कर्मियों का किया सम्मान। खबर कोलारस से, जहां सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी पेंशनर महासंघ कोलारस के पेंशनरों का, जो 75 वर्ष से अधिक उम्र के और अन्य समग्र का, भारतीय स्टेट बैंक एबी रोड कोलारस द्वारा सम्मान किया गया। शिवपुरी से पधारे देवेश गोयल जनरल मैनेजर उपस्थित हुए। उनके द्वारा उपस्थित पेंशनर्स को उनके खाते के संचालन और आजकल डिजिटल कार्य प्रणाली से होने वाली आसान धनियों से हो रहे नुकसान से सावधान करने हेतु आगाह किया। शाखा प्रबंधक नीरज शर्मा के द्वारा सभी पेंशनर्स को शाखा से लोन देने और अन्य सुविधाओं जो बैंक से उपलब्ध हो आसानी से प्रदान करने हेतु आश्वासन दिया। उक्त कार्यक्रम में पेंशनर संघ के संभागीय सचिव बीके गोयल द्वारा बैंक शाखा के बाहर खाता धारकों के लिए एक वाटर कूलर की व्यवस्था हेतु अनुरोध किया। साथ ही तहसील अध्यक्ष भगवान स्वरूप ने शाखा प्रबंधक की प्रशंसा करते हुए उनके अच्छे कार्य व्यवहार की सराहना की। संघ के सचिव राजकुमार द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। कार्यक्रम उपस्थित सभी पेंशनर्स का सम्मान उपरांत स्वल्पाहार भी कराया गया। कार्यक्रम में सेवा संघ से डॉक्टर लखनलाल, बीके गोयल, भगवान स्वरूप चतुर्वेदी, राजकुमार श्रीवास्तव, राणा प्रकाश चंद्र, कैलाश नारायण, कैलाश नारायण भार्गव, विशोक व्यास, स्वराज एक्सप्रेस रिपोर्टर सहित पेंशनर्स उपस्थित रहे। और जिन खातों में मान के चलिए सिंगल है ना, तो उनमें नॉमिनेशन अवश्य कराइए। इससे क्या आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए बहुत ज्यादा सुविधा है, क्योंकि आगे वाले भविष्य में हमें भी इसको क्रिएट नहीं होता है और सर आप लोगों को भी नहीं होता है। तीसरा एक चीज का मैं, ये सारी चीज हो गई अपनी डेली बैंकिंग की। चौथा ये कि जैसे आप लोगों के कुछ खाते है ना, जो सेविंग खाते में पैसा डला हुआ है उसको आप FD बना के रखें, क्योंकि सेविंग खाते में क्या होता है कि अगर मान के चलिए सेविंग में डला है, कहीं किसी व्यक्ति पे गलत पिन नंबर मिल गया, OTP मिल गया, कुछ भी मिल गया ना, तो वो आप लोगों के लिए दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो जब भी अपना पैसा आता है, वैसे हम आप लोगों को MOD सुविधा दे रहे हैं, और कोई जागरूक व्यक्ति है तो वो बैंकिंग के म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, म्यूचुअल फंड लॉन्ग टाइम के लिए, अगर अपन ये सोचें कि अभी हाल में कर रहे हैं, हाल में बेनिफिट नहीं है, उसमें लॉन्ग टाइम मान के चलिए कम से कम 2 साल से ऊपर। तीसरा ये है कि अभी बैंकिंग ने एक बहुत अच्छी सुविधा निकाली है, जो 28 मार्च को एक आया है हमारे पास में प्लान, SBI लाइफ का प्लान आया है। उसमें क्या है, वो थोड़ा मंथन करने वाला चीज है, उसमें बड़ा अच्छा है। क्या 10 साल तक अगर अपन कोई भी इन्वेस्ट करते हैं, एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, 1 लाख रुपए वो अपना नहीं हो पाएगा, बेटा बिटिया का हो पाएगा, जो करीबन 60 साल से भीतर की उम्र वालों का। उसमें 1 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से अपन अगर कोई चीज जमा कर रहे हैं, अगर 10 साल जमा आपने किया है, तो फिर वो 10 साल आपके जमा करने के बाद 11वीं साल में आपको जमा नहीं करना है, एक पैसा भी 11वीं साल में जमा नहीं करना है। 12 साल से लेके 24 साल तक अगर 1 लाख का जमा किया अपने, और बच्चे की उम्र अपनी 90 मान के चलिए कि कितनी उम्र है उसकी, 18 या 20 या 22 या 24, तो आपको 95,000 से 1 लाख के बीच में एवरेजन पर ईयर आपके खाते में आ गया है। और जब आपकी 26 साल कंप्लीट होगी तो उसका 10 गुना, मतलब 1 लाख जमा हो गया तो अपना 10 लाख जमा हुआ, तो अपना बंद टाइम में 10 लाख रुपए उनको रिफंड मिल जाएगा। सर आज जो बैंक में पेंशनों को सम्मान किया है, क्या क्या मामला पूरा है, क्या सम्मान किया गया है? सर ये हमारे शाखा के वरिष्ठ पेंशनर अधिकारी एवं कर्मचारी रहे हैं, जो रिटायरमेंट होने के बाद में आज बैंक से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। इसमें कुछ पेंशनर हमारे 75 वर्ष से ऊपर वाले हैं, कुछ 75 वर्ष से कम उम्र वाले हैं, जो किसी न किसी क्षेत्र से आते हैं और पूरी तरह आज हमारी बैंक से जुड़े हुए हैं। तो जो 75 वर्ष से ऊपर वाले थे उन्हें सोल, नारियल फल और माला गिफ्ट बैंक का, जो बैंक द्वारा एक चिन्ह दे के उन सभी को सम्मानित किया गया और उनके जीवन को उसमें बनने की एक कामना की गई। दूसरा इन सभी से ये एक सलाह दी गई या निवेदन पूर्वक मान के चलें कि अपना जो भी ATM कार्ड आप यूज कर रहे हैं, अपना OTP पिन किसी को ना बताएं, क्योंकि बैंक कभी भी OTP पिन नहीं पूछती है। उसके अलावा बैंकिंग में आप नियमित रूप से आते रहें, अगर कोई आने में असमर्थ है या किसी कारण से आने में दिक्कत हो रही है तो आप हमें फ़ोन के माध्यम से बताएं, हम आपके घर पर जाके ये सारी सुविधा उपलब्ध कराएंगे।